विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर विकास भवन सभागार में मुख्य अतिथि CDO संजय कुमार मीणा ने विश्व मत्स्य दिवस का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपनिदेशक मत्स्य ब्रजेश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक KBKS के तोमर सहित मत्स्य पालक मौजूद रहे। इस दौरान CDO संजय कुमार मीणा ने बताया कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में संभावनाएं बहुत हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मत्स्य पालन के बारे में किसानों का एक समूह बनाया जाएगा। प्रगतिशील किसानों का यह समूह युवाओं को भी मत्स्य पालन के लिए आकर्षित करेगा। जो बायोब्लॉक का काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं, श्री पंकज सिंह जी, आपका पंकज बायोब्लॉक करके एक संस्था भी है, आप उस पर काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से आए मस्कौले भाई CDO साहब के अध्यक्षता में यहाँ उपस्थित हुए हैं। विश्व मत्स्य दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें आ रही है जितनी भी मछलियाँ पाई जाती हैं उसमें उसकी 50% जातियाँ समुद्र में पाई जाती हैं, 50% जातियाँ जो है हमारे मीठे पानी पाई जाती हैं। दोनों जगह जो है ऑक्सीजन जो है बहुत। इस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों को देते हुए CDO संजय कुमार मीणा ने बताया, आज विश्व मत्स्यिकी दिवस वर्ल्ड फिशरीज डेज के उपलक्ष्य में जो फिशरीज डिपार्टमेंट द्वारा एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जितने भी मछुआरे समुदाय के लोग हैं जो उनको सरकार के द्वारा योजनाएँ चलाई जा रही हैं उनके बारे में जागरूक करने के साथ ही उनको किस तरीके से हम लाभान्वित कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी आमदनी में हम लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं और उनको कैसे हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि वो लोग अपनी आजीविका जो है अच्छे से जी पाए, इसी के संबंध में बैठक की गई है, जिसमें सरकार द्वारा संचालित जो हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो कार्रवाइयाँ हैं, गतिविधियाँ हैं, वो कोई भी व्यक्ति जो मछली पालन करना चाहता है वो